हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रेसिपी, इवनिंग स्नैक्स रेसिपी, जो बच्चों के लिए आप बना सकते हो बहुत ही जल्दी। और इसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है आपके घर पे। और अभी एक्चुअली ये हो रहा है ना कि सारे दुकान वगैरह बंद है बाहर का, तो चीज़ें बहुत ही कम मिल रहा है और बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। अच्छा, अभी जो है ना, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जो दुकानें हैं सारे बंद है, चीज़ें जो है वो कम मिल रहा है मार्केट में, तो परेशानी सबको हो रही है घर पे कि क्या बनाए कम चीज़ों में। तो अभी मैं इवनिंग स्नैक्स का एक रेसिपी शेयर करूँगी जो बच्चों के लिए आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो सबके घर पे होता है आजकल, उसी चीज़ों के साथ मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते, और साथ साथ में ना मैं आपको ऑप्शन भी दे दूँगी, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। मैं बता देती हूँ, आज मैं बना रही हूँ चॉकोलावा केक, जो बहुत ही जल्दी 10-15 मिनट में बन जाएगी। तो सबसे जो पहला चीज़ चाहिए वो है ये डार्क चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क का है। आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तब कोई सा भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, जो डेयरी मिल्क का 10 रुपीज़ वाला चॉकलेट आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का आप चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डार्क चॉकलेट आपको चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्रिटानिया का है बिस्किट, मैं खोल के दिखा देती हूँ कैसे। और अगर आपके पास ये ब्रांड का बिस्किट नहीं है तो आप ओरियो यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे, या बार्बन का जो आता है चॉकलेट वाला बिस्किट, ना कोई सा भी क्रीम बिस्किट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज़ें चाहिए वो है मिल्क, मैं फुल क्रीम मिल्क यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है, आप लोग नॉर्मल टोन या डबल टोन यूज़ करते, तो एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा देर थोड़ा सा उबाल लीजिए दूध को, अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध। बस ये तीन चीज़ें चाहिए और एकदम यम्मी सा चॉकोलावा केक बन के तैयार हो जाएगा। आपके बच्चे बहुत खुश होंगे, आप हर दिन बना सकते या एक दिन गैप करके ही बना सकते। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने चाय वाला पैन में पानी गरम कर लिया, और जो डबल बॉयलर मेथड होता है उससे मैं जो चॉकलेट है उसको मेल्ट कर लूँगी। पानी को अच्छे से उबलने के बाद जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम कर दीजिएगा, उसके बाद ही जो ग्लास वाला बाउल है उसको रखिएगा। उसके बहुत आसानी है, धीरे धीरे चॉकलेट जो है वो मेल्ट होने लगेगा। और देखिए चॉकलेट जो है एकदम मेल्ट हो गया, तो मैंने गैस का फ्लेम जो है वो भी बंद कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ अब 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, जो फुल क्रीम मिल्क मैं यूज़ करती हूँ वो। इससे क्या होगा ना, चॉकलेट जो मेल्ट होने के बाद एक थोड़ा सा वाटरी हो जाता है और उसका बाइंडिंग नहीं होता है। तो आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है तुरंत के तुरंत, इंस्टेंट। तो इससे क्या होगा, जो बाइंडिंग है वो आ जाएगा चॉकलेट में। दूध को क्या करना है, अच्छे से मिला देना है। हम देखिए ना, थोड़ा गाढ़ा हो गया और थोड़ा बाइंडिंग भी आ गया इसमें। और अब मुझे इसको निकाल लेना है कोई भी बाउल में। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे जो सारे बिस्किट्स हैं उसको मुझे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसमें।
बस मैंने ग्राइंड कर लिया इसको अच्छे से। अब एक बाउल जो है उसमें निकाल लिया है मैंने। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मिल्क जो है मैंने हाफ कप ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है मुझे। मैं पहले चम्मच से मिला रही थी, अब मैं जो छोटा वाला विस्कर है उससे मिला रही हूँ। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप फोक की मदद से भी इसको मिला सकते हैं अच्छे से। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि सारे दूध एक साथ मत मिलाइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटरी हो जाएगा तो बाद में वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा बस दूध रह गया था, उसको मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसा होना चाहिए। आप लोग इसमें थोड़ा नोटिस करेंगे वाइट वाइट स्पॉट दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बिस्किट मुझे मिला ना मार्केट से, उसमें वाइट चॉकलेट जो था ना बीच में जो क्रीम था उसके साथ व्हाइट क्रीम भी था, इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है। अगर आप लोग एकदम डार्क चॉकलेट वाला या सिर्फ चॉकलेट वाला बिस्किट यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें नहीं दिखेगी, बट जो केक बन जाएगा ना उसके बाद ही नहीं नोटिस होगा। मैं जो सिरेमिक कप होता है टी कप जिसे हम लोग चाय पीते हैं उसमें भी निकाल लिया है मैंने, आधा ही भरा है उसको। थोड़ा सा टैप कर लिया ताकि जो एयर है वो नहीं रहे। बस अब जो ये चॉकलेट वाला बनाए थे ना हम लोग मिक्सर, उसको ऊपर से बस डाल देना है थोड़ा सा। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा अंदर दबाने, ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है। अगर ज़्यादा अंदर दबाएंगे तो जो चॉकलेट वाला फीलिंग्स आता है वो नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ऊपर से ढक देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे मैंने जो मेरा नॉन स्टिक पैन है उसको मैंने प्री हीट करने के लिए डाल दिया है। गैस को रखा था मैंने लो फ्लेम पे, और जो ये वाला स्टैंड है इसको रख दिया था मैंने इसमें, इसके ऊपर ये स्टैंड में रख रही हूँ, मुझे कुकर के साथ मिला था। अगर आप लोगों के पास ये स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जो नॉर्मल वाला स्टैंड होता है उसमें ही आप इसको प्लेस कर सकते हो सिरेमिक कप को। और जो फ्लेम है उसको रखना है मीडियम में, ज़्यादा लो भी नहीं, एकदम लो नहीं, लो मीडियम आँच पर रखिए 15 मिनट्स तक। और उसके बाद आप देखेंगे कि बन के रेडी हो गया चॉकलेट का केक। देखिए जो केक है वो बन के रेडी है, मैं इसको निकाली हूँ। कप जो है थोड़ा सा गर्म होगा तो किसी एक कपड़े की मदद से उसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए जो जिस पोर्शन में हम लोग वो चॉकलेट डालते हैं ना वही गर्म हो जाता है, तो वो मेल्ट हो जाता है, उससे अच्छा एक फ्लेवर आता है चॉकलेट। और फ्रेंड्स आप लोग ने देखा कि कितना जल्दी और आसानी से बन गया है चॉकलेट का केक, तो अब कोई परेशानी नहीं होगी, आप 15 मिनट से ही बना सकते हैं चॉकलेट का केक। ज़रूर आप लोग बनाना इस केक को और अपने बच्चों को खुश कर देना। तो मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। स्टे होम स्टे सेफ। Bye bye friends. Oh, you came and tucked your way into my